जुलाई से ट्रकों के पहिए जाम होने वाले हैं, जिस कारण देश भर में व्यापार प्रभावित होगा। ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। शिवपुरी में भी ट्रांसपोर्टरों ने आंदोलन की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हाईवे पर तेजी से दौड़ते इन ट्रकों की रफ्तार को ब्रेक लगने वाला है। इन ट्रकों के ट्रांसपोर्टरों ने 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ट्रक मालिकों का कहना है कि सरकार लगातार डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, जिसका खामियाजा ट्रांसपोर्टरों को भुगतना पड़ रहा है और डीजल की दरों में लगातार बढ़ोतरी से ट्रकों का ये व्यवसाय चरमरा गया है। शिवपुरी में भी इन ट्रकों के ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। टायर की कीमतें बढ़ रही है, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है। जो 79 में गाड़ी 6 लाख का ट्रक पड़ता था वो 27 लाख का है। टैक्सेस बढ़ गए हैं पूरे। मैक्सिमम माननीय गडकरी जी ने कहा था कि हम टोल फ्री करेंगे ऑल ओवर इंडिया। फ्री अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वन टाइम जब आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसी समय एक टोल की कीमत फिक्स कर दें कि हम आपको 20,000 रुपये लेंगे। आपके नेशनल परमिट है, कोई टोल नहीं लगेगा। यही नहीं, ट्रक चालक भी ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर मानते हैं कि परिवहन की सरकारी नीतियां व्यवहारिक नहीं हैं, जिसके कारण ट्रक से जुड़े व्यवसाय में घाटा होने लगा है। यही कारण है कि देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम का फैसला लिया गया है। शिवपुरी जैसे देश के कई छोटे बड़े शहरों में ट्रांसपोर्टरों के विभिन्न संगठनों के बड़े पदाधिकारी बैठकें कर रहे हैं और ट्रक मालिकों से हड़ताल का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। ऑल इंडिया वोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो कि इस ट्रकर की और ट्रांसपोर्टर की इकलौती आवाज़ है, उन्होंने दमनकारी नीतियां जो सरकार की इस उद्योग को प्रभावित कर रही हैं, बर्बाद करने के खिलाफ पर खड़ा किया है। रोज जो डीजल की बढ़ती हुई कीमतें जो इस उद्योग को धीमे जहर की तरह बर्बाद कर रही है, एक्साइज ड्यूटी में और राज्य के वैट में कटौती हो और इस उद्योग को राहत मिले। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्टरों की मांग है कि डीजल की कीमतें कम हो और दाम में तिमाही संशोधन हो, डीजल का राष्ट्रीय स्तर पर समान मूल्य निर्धारण हो, थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम निर्धारण में पारदर्शिता हो, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर TDS खत्म हो, टोल बैरियर पर बार बार पर्ची कटाने से राहत मिले। बहरहाल ट्रकों के चक्का जाम के पीछे तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं। केवल शिवपुरी में हर दिन 200 से ज्यादा ट्रक जरूरी उपभोक्ता वस्तुएं लेकर आते हैं। देश भर में हड़ताल से करीब 90 लाख ट्रकों के पहिए जाम करने की तैयारी है। जाहिर है अगर ये हड़ताल देश भर में होती है तो लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। सौरभ दुबे, हिंदी खबर, शिवपुरी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर